अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचुरल हेयर का सेंटर कानपुर। दोस्तों आज मैं जो इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं उसमें काफी जो भी बंदा हेयर पैच यूज करता है वो प्रॉब्लम सभी को आती है कि ये बॉर्डर क्यों दिखता है आगे से, और बॉर्डर जब ज्यादा झलकता है, किसी किसी के व्हाइट व्हाइट झलकता है, तो जब ज्यादा झलकता है तो बॉर्डर को कैसे सही करें। दोस्तों जो ये बॉर्डर झलकता है आगे से तो उसको सही करने के कई तरीके होते हैं। जैसे कि जैसे हम लोग जब सर्विस कराने जाते हैं तो बहुत से लोग व्हाइट टेप लगाते हैं, ठीक है, तो जब ये यहां पर व्हाइट टेप लगाते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा टेप बाहर आ जाता है, तो जब पैच को उठाते हैं बालों को तो व्हाइट टेप नजर आता है। तो उसको ना दिखने के लिए या तो उस पर मार्कर लगा सकते हैं, जैसे इसका जो बॉर्डर होता है इसमें यहां पर इस तरीके से बॉर्डर में मार्कर लगा सकते हैं, जिससे हेयर पैच का बॉर्डर बिल्कुल भी ना दिखे और आपकी जो हेयर लाइन है वो क्लियर दिखे, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक मेथड क्या होता है, नो शाइन टेप। आप पीछे यहां से लेकर यहां तक आप येलो टेप लगवाइए, उस पर ग्लू लगवाइए, आगे नो शाइन टेप लगा करके उस पर ग्लू लगवाइए। जब आप आगे नो शाइन टेप पर ग्लू लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि ना तो व्हाइट टेप होगा और ना जो है दिखेगा, मतलब ना रहेगा बास, ना बजोगी बांसुरी, ठीक है। तो यहां पर नो शाइन टेप लगा करके इसको जब आप ढक लेंगे और इस तरीके से आप इसको चिपका लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आराम से आपकी हेयरलाइन क्लियर दिखेगी और पैच बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको छुपाने का एक तरीका और है कि जैसे हम हेयर जब भी हम कॉम करते हैं, कॉम करने के बाद ये सिर्फ दो फिंगर से थोड़ा सा बालों को हल्का सा आगे ऐसे लास्ट वाले जो आपके जड़ हैं उस तरफ से थोड़ा सा आगे ले लिया करें, ऐसे करने के बाद थोड़ा सा ऐसे, तो इससे क्या होगा जो मेन बॉर्डर है वो नहीं दिखेगा, और बॉर्डर नहीं दिखेगा तो जो हेयर लाइन होगी वो बहुत ही नेचुरल दिखाई देगी। दोस्तों ऐसी हेयर पैच की इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और मैं अपने चैनल पे इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, और इससे पहले भी काफी मैंने कैसे हेयर पैच को वॉश करें, कैसे क्या करना है, उस हिसाब से मैंने कई वीडियो डाल चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हेयर पैच के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर मुझसे हेयर पैच लगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मुझसे कॉल या व्हाट्सएप करके मेरे पास अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल पर जाएं और मेरे सारे वीडियोस देखें जिसमें मैं हेयर पैच लगाकर नए नए हेयर स्टाइल बनाता रहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।